भाइयों में देखिए कि एक औरत रात की तारीकी में बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रही होती है, उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ से मत आना, तुम एक ऐसे मकाम की तरफ जाओ कि जहाँ पर ज़ाहिर है कि वहाँ घोड़े बंधे होते थे, लेकिन आप फिर भी वहाँ तशरीफ़ ले गए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और वहाँ जाती हैं और उस कस्म पुरसी के आलम में, उस तकलीफ़ के आलम में, हालाँकि आपके पास बिन मौसम के फल आते हैं, हालाँकि आपके पास अल्लाह ताला ने आपकी विलायत का वलिया थी ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, आपकी विलायत का ऐलान किया बिन मौसम के फल दे भेज कर, और उन बिन मौसम के फलों की जगह पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर दुआ की तो उन्हें औलाद मिल गई। यानी जहाँ नबी पैदा हो रहा होता है, जहाँ नबी की पैदाइश, आप कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों कहते हैं कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, इसलिए कि हम तो कहते हैं कि आपको जो अल्लाह ने अता किया है वो भर दें आप हमें, आप अता नहीं कर रहे, जो अल्लाह ने आपको अता किया है वो आप हमें दे दीजिए, आप तकसीम करने वाले हैं, आप कासिम हैं। बिल्कुल इसी तरह जहाँ नबी पैदा हो रहा होता है वहाँ दूसरा नबी खड़े होकर अगर दुआ मांग ले तो उसकी भी औलाद की जो दुआ है वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। हालांकि कहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और कहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, एक नबी है एक वली है। तो वो औरत बड़ी कसम पुरसी के आलम में जाती है और फिर जाकर वो उस बच्चे को जन्म देती है जिस बच्चे को ईसा इब्न मरियम कहा जाता है। और ये चूँकि मसीह अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा मुख्तलिफ है, लेकिन मसीह अकीदा है कि हर बच्चे को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, ये मसीह अकीदा है और ये इसराइलियात में मौजूद है। हमारा अकीदा ये है कि बच्चों को बापों के नाम से पुकारा जाएगा, यहाँ पर है कि बच्चों को माओं के नाम से पुकारा जाएगा। मैं इस अकीदे की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपसे एक माँ की तकलीफ़ बयान कर रहा हूँ। एक तकलीफ़ माँ की ये थी, अब आ जाता हूँ मैं दूसरी माँ की तरफ। एक माँ और है जो अपने बच्चे को बे आब व गैस ज़मीन पर तड़पता हुआ देख रही है, उससे देखा नहीं जा रहा उस माँ से, वो उसकी प्यास को, उसकी अल अतश की नन्नी नन्नी किलकारी वाली सदा को वो महसूस कर रही है कि बच्चा अल अतश कह रहा है, प्यासा है, तो वो कभी इधर दौड़ रही है तो कभी उधर दौड़ रही है, वो सात चक्कर दौड़ती है, अल्लाह ताला को उसको दौड़ना पसंद आ जाता है और वो सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को सही का लकब दे देता है। अब जब तक सारे मर्द हजरात ये सही ना कर लें उनका उम्रा नहीं हो सकता। तो एक औरत मुझे ये नज़र आती है, दूसरी औरत मुझे एक और नज़र आती है, वो औरत है जो एक बच्चा तैरता हुआ आ रहा है समंदर में, एक डलिया के अंदर है, उस बच्चे को वो निकालती है और उस बच्चे को निकालने के बाद वो उस बच्चे को पालती है पोसती है। उस वक्त के फिरौन के सामने, वो रामीस नहीं था, वो रामीस मिस्र यानी वो फिरौन नहीं था ये जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जंग हुई है, लेकिन वो उस फिरौन के घर में पले बढ़े। कौन थी वो? हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम थी, जो उन औरतों में शामिल है जिनके बारे में रसूल ने फरमाया चार औरतें ऐसी हैं जिनकी अजमत की मैं गवाही देता हूँ। उनमें एक हज़रत आसिया है, हज़रत मरियम है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अबिया व अलैया अफ़ज़लुस्सलाम है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, बाज़ रवायत में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी जिक्र आता है और बाज़ रवायत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आता है। तो ये वो अज़ीमुल मर्तबत ख़वातीन है। और फिर एक आखिरी खातून का मैं जिक्र कैसे ना करूँ, मैं उन खातून का जिक्र क्यों ना करूँ? ये मैं अम्बिया की नस्बत से कर रहा हूँ, अभी मैं सहाबा की नस्बत पे तो आया ही नहीं हूँ, अभी मैं बीबी फातिमा की तरफ तो आया ही नहीं हूँ, मैं तो अभी अम्बिया की नस्बत से जिक्र कर रहा हूँ। मैं उस खातून का जिक्र क्यों ना करूँ कि जो अपने घर की दालान से अपने शौहर को मदीने की तरफ जाता हुआ देख रही है, उस वक्त मदीने का नाम यसरब था और वो मोहब्बत से देख रही है, प्यार से देख रही है कि अब्दुल्ला जा रहे हैं, शायद उसको मालूम है या शायद उसको नहीं मालूम, लेकिन उसके वहम व गुमान में एक बात आ रही है, अब्दुल्ला शायद वापस ना आए, अब्दुल्ला शायद वापस ना आ सकें। वो आखिरी बार प्यार से दालान पर खड़े होकर अपने शौहर को देखती है, शौहर भी पलट कर अपनी